हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड्स हेवन। आज की रेसिपी है चिकन बिरयानी इन प्रेशर कुकर। कुकर में बनाने की वजह से यह कम समय में आसानी से बन जाती है। ये देखिए कुकर में बने हुए चिकन बिरयानी के चावल कितने खिले खिले हैं और चिकन भी बहुत अच्छे से पक गया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर में 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देंगे। आप सरसों के तेल की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 दालचीनी डाल देंगे, 2 लौंग, 3 इलायची इसे पिचकाकर डाल देंगे, 5 काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा। अब इसमें 2 कटे हुए प्याज डाल देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। प्याज के कलर को चेंज नहीं करना है, बस थोड़ी देर इसे भुनना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें 2 कटी मिर्च डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अदरक लहसुन को अच्छे से पका लेने के बाद अब इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे, मतलब मीडियम और हाई के बीच में फ्लेम को रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो चुका है, ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से चला लेने के बाद अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच बिरयानी मसाला। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप 1 चम्मच और गरम मसाला डाल दें। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें खड़े मसाले भी ऐड हुए हैं और अगर आपको ज़्यादा मसालेदार नहीं पसंद है तो आप मसालों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे चिकन में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा और यह बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है। अब इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 5 मिनट हो चुका है, सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। एक बार इसे चला लेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें 1/4 कप दही डाल देंगे, दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीमी आंच पर पकाने से जो दही है वह फटेगी नहीं और हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब इसमें 1 कप बासमती राइस डाल देंगे, इसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था। राइस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों को मिक्स करने के बाद इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। सिर्फ इतना ही ऐड करेंगे जिससे जो चावल और चिकन है वह डूब जाए पानी में। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है वरना चावल बिल्कुल भी खिले खिले नहीं बनेंगे। थोड़ा सा ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आए तक इसे पकाएंगे। कुकर 1 सीटी दे चुका है, इसकी गैस भी निकल गई है। अब इसका ढक्कन हटा देंगे। खड़े मसालों की वजह से इससे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और ये देखिए चावल अच्छे से पक गए हैं। इसे एक बार चला देने से जो चावल हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं और खिले खिले अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए चावल बिल्कुल अलग अलग और खिले खिले बने हैं। इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। चिकन भी बहुत अच्छे से पक गया है, चावल भी बहुत खिले खिले बने हैं और इसे स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। एक बार कुकर में बने इस चिकन बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चिकन बिरयानी को आप रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको प्रेशर कुकर में बनी चिकन बिरयानी की यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।